हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी मज़ेदार कटोरी चाट बनाने की रेसिपी। ये जो कटोरियाँ हैं इन्हें हम 15 दिन के लिए स्टोर करके रख सकते हैं और जब भी मन करे तब ये कटोरी चाट खा सकते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे ये 1.5 कप मैदा लिया है और 1.5 कप मैदा में मैं डाल रही हूँ 1/2 कप सूजी। सूजी बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डालें वरना ना डालें। 1/2 चम्मच नमक और ये 1/4 चम्मच मैंने ली है अजवाइन और इसको हाथों से इस तरीके से कर कर डाल देंगे और सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 4 चम्मच ऑयल। ऑयल से हमारी जो कटोरियाँ हैं वो खस्ता बनेंगी यानी कि क्रिस्पी बनेंगी। और ऑयल डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके सॉफ्ट डो लगाकर तैयार करेंगे। तो डो मैंने यहाँ पर लगा लिया है और सॉफ्ट डो लगकर तैयार है। अभी हम इसे ढक करके 10 मिनट के लिए सेट होने देंगे। तो 10 मिनट रख देते हैं इसे। तो 10 मिनट हो चुके हैं, डो हमारा एकदम अच्छे से सेट हो गया है, ये देखिए। अब हम इसमें से एक मीडियम साइज़ की बॉल बनाएंगे। तो थोड़ा सा डो लेकर के इस तरीके से इसकी एक बॉल बनाएंगे। जो हम इसकी पूरी बनाने वाले हैं वो हमें रोटी से साइज़ की थोड़ी सी छोटी और पूरी से थोड़ी सी बड़ी रखनी है। तो ये थोड़ा सा इसके ऊपर सूखा मैदा डस्ट करेंगे और इसको रोलिंग पिन की मदद से अच्छे से रोल कर लेंगे। जो पूरी हम इसके लिए बनाने वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा पतली भी नहीं होनी चाहिए और बहुत ही ज़्यादा मोटी नहीं होनी चाहिए। ये मैंने यहाँ पर पूरी बेलकर तैयार कर ली है और अभी हम इसे फ्लिक कर लेंगे। इससे क्या होगा कि जब हम इस कटोरी को फ्राई करेंगे तो ये फूलेगी नहीं, क्योंकि अगर कटोरी फूल जाएगी तो कटोरी की शेप अच्छे से नहीं आ पाएगी। तो इसलिए मैंने यहाँ पर इसमें छेद कर लिए हैं और अभी इस तरीके का कोई भी बोल ले लें। ये स्टील का बोल है, सबके घर में आसानी से मिल जाता है। अगर आपके पास ये ना हो तो आप कोई भी ग्लास का यूज़ कर सकते हैं। और अब हम इसको ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। ऑयल से ग्रीस करने से क्या होगा कि जब हम कटोरी को फ्राई करेंगे तो आसानी से जो कटोरी बनेगी वो हमारी स्टील वाली कटोरी को छोड़ देगी। तो ये यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से कवर कर लिया है स्टील वाली कटोरी को डो से। तो बस अभी हमारी ये जो कटोरी है वो फ्राई करने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पर ऑयल लिया है और ऑयल हमारा अच्छा गर्म हो गया है। गैस का फ्लेम मैंने मीडियम रखा हुआ है और इसे अब हम ऑयल में डाल करके इसका हल्का सा कलर गोल्डन ब्राउन होने तक और एकदम क्रिस्पी होने तक हम इसको फ्राई करेंगे। और ये जो कटोरी है स्टील वाली वो हमारी चाट वाली कटोरी को इजीली अपने आप छोड़ देगी। ये देखिए, जब मैंने इसे पलटा है तो ये आसानी से कटोरी को छोड़ रही है। मुझे कुछ भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, आसानी से अपने आप छोड़ दिया है। तो अब हम इस बोल को बाहर निकाल देंगे और इसको दूसरी साइड से भी अच्छे से सेक लेंगे यानी कि फ्राई कर लेंगे। दोनों तरफ से कटोरी अच्छी गोल्डन ब्राउन हो गई है और अच्छी क्रिस्पी हो गई है और अब हम इसे बाहर निकाल देंगे। ये देखिए कितनी अच्छी कटोरी की शेप आई है। और इसी तरीके से बाकी की कटोरियों को भी हम फ्राई कर लेंगे। दूसरी वाली कटोरी को भी हमने गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लिया है, इसे भी बाहर निकाल लेते हैं। तो इसी तरीके से मैंने यहाँ पर सारी कटोरियाँ बनाकर तैयार कर ली हैं और ये कितनी सारी बन जाती हैं इतनी से डो में से।
और काफ़ी क्रिस्पी भी बनती हैं और इनकी जो शेप है वो भी एकदम परफेक्ट आई है, ये देखिए। तो बस चलते हैं इनकी चाट बनाने के लिए। तो इसलिए मैंने यहाँ पर एक प्लेट ली है और इसमें हम कटोरियों को रख लेंगे। और अब हम इसमें सबसे पहले डालेंगे छोले। तो ये मैंने ओवरनाइट भिगोकर इनको मैंने बॉईल कर लिया था प्रेशर कुकर में। तो ये छोले कटोरियों में डाल देंगे। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे आलू। तो ये बॉईल कर मैंने इन्हें छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। ये आलू भी इसमें डाल देते हैं। आप चाहे तो आलूओं को फ्राई कर भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर डायरेक्ट ऐसे ही बॉईल कर ले लिया है। अब हम इसमें थोड़े से मसाले ऐड करेंगे। तो थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा चाट मसाला, और अब हम इसमें डालेंगे हरी चटनी। इस हरी चटनी से और जो मीठी वाली चटनी हम इसमें डालने वाले हैं, इससे चाट में बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। तो ये हरी चटनी डालने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ इमली की चटनी। अब हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च, प्याज डालेंगे। तो अगर आप प्याज खाना पसंद नहीं करते हैं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। टमाटर और जो भी इंग्रेडिएंट इस चाट में हम डाल रहे हैं वो सभी सबके घर पर अवेलेबल होते हैं आसानी से। तो हम इस चाट को आसानी से बनाकर तैयार कर सकते हैं। थोड़ी सी बूंदी डाल देंगे। तो जो भी चीज़ मैं इसमें डाल रही हूँ, अगर आपको खाना पसंद नहीं करते हैं तो आप उसे स्किप भी कर सकते हैं। ये हैं गोलगप्पे, ये सूजी वाले गोलगप्पे हैं। इसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ पहले ही शेयर कर चुकी हूँ। अगर आप ये घर पर बनाना चाहें तो वो भी आप देख सकते हैं। दही डाल देंगे और अब हम डालेंगे नमकीन सेव। अब मैं इसके ऊपर से थोड़ी सी प्याज, टमाटर और मसाले फिर से डाल देती हूँ, और जो हमने चटनियाँ बनाकर तैयार की थी वो भी। हरी चटनी, मीठी चटनी भी डाल देंगे। और ये थोड़े से मसाले ऊपर से भी डाल देते हैं। तो थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा चाट मसाला और थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर। और अभी मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ ये अनार के दाने। थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे, इससे हमारी जो कटोरी चाट है उसमें और भी ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। तो कटोरी चाट बनकर बिल्कुल तैयार है। आप इसको किसी को भी खिलाइए, सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। मेरे घर में तो सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आई है ये कटोरी चाट। तो आप इसे ट्राई कर जरूर देखें और सभी को खिलाएं, सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सबसे पहले जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर कटोरी चाट की रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय। हम मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ।